शहनाज गिल को ब्रह्म कुमारियों ने किया सम्मानित। एक बार फिर अपने अंदाज में शहनाज ने जीता सबका दिल। ये तो हम सब जानते हैं कि शहनाज गिल बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के कितने करीब थी। वहीं उनके जाने के बाद मानो शहनाज का सब कुछ चला गया। सिद्धार्थ के जाने के गम में शहनाज काफी टूट गई थी, हालांकि उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से शहनाज ब्रह्मा कुमारी से काफी जुड़ गई हैं। वो अक्सर वहां जाती हैं और तस्वीरें शेयर करती हैं। इस बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शहनाज गिल को ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। शहनाज गिल को ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सम्मानित किए जाने के लिए जब स्टेज पर बुलाया गया तो वहां मौजूद हर किसी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान शहनाज सफेद रंग की सलवार कमीज पहनी दिखी। उनकी सादगी ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। इस सिंपल लुक में शहनाज बेहद क्यूट दिख रही थी। वहीं सम्मान मिलने के बाद शहनाज ने एक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपने जीवन में ब्रह्मा कुमारी के शिक्षण और मूल्य प्रणाली के प्रभाव में बात की। एक्ट्रेस के इस इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। मुझे देखो, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना कि मैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील करना है ना, मेरे से टीचिंग ले लो। इतनी स्ट्रांग लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वो शहनाज गिल है। और मैं आपको पता है, एक वीडियो में शहनाज कहती दिख रही हैं, तुम्हारी जिंदगी में तुमने अच्छा सिखाया होगा ना, तो तुम्हें सुख बेटा भी दे सकता है और बेटी भी दे सकती है। इसने कैसा निकलना, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुमने अच्छा सिखाया होगा ना, तो तुम्हें सुख बेटा भी दे सकती है और बेटी भी दे सकती है। लड़कियों को सॉफ्ट डेलिकेट है ना, इनोसेंट बोलना बंद करो। हम बेचारियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे वीडियो में शहनाज गिल कहती दिख रही हैं कि लड़कियों को सॉफ्ट, नाजुक और मासूम बोलना बंद करो, हम बेचारियां बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि ना, पहले तो लड़कियों को छोटा दिखाना बंद करो। लड़की मैं भी हूँ, ठीक है। तो लड़कियों को ये मत सोचो कि भाई आगे चलेगा, लड़की पीछे चलेगी। भाई जाएगा तो मैं जाऊँगी। डरना बंद करो, कुछ गलत नहीं है। बॉयज और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट करना बंद करो, दोनों सोल है। अगर हम सब ये सोच रख लेना कि वी ऑल आर सोल, तो मुझे लगता है हमें जिंदगी में कोई भी हमारा बाल बिंगा नहीं कर सकता। और हमें कंपटीशन, कंपैरिजन, डिसऑनेस्टी और क्या क्या वर्ड है ना। एक वीडियो में शहनाज गिल पंजाबी फोक सॉन्ग पर डांस करती भी नजर आ रही हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। फैंस को शहनाज के वीडियोस खूब पसंद आ रहे हैं और शहनाज की तारीफ करते नहीं थक रहे। फैंस का कहना है कि शहनाज हर जगह पर चार चांद लगा देती हैं। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्मा कुमारियों से जुड़े हुए थे और उन्होंने शहनाज को उनसे मिलवाया था। उनके निधन के बाद से ही शहनाज ब्रह्मा कुमारी से ज्यादा क्लोज हो गई हैं। याद दिला दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। ऑफ स्क्रीन ही नहीं, दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आती है। इतना ही नहीं, फैंस ने तो दोनों का नाम सिडनाज तक रखा है। वहीं जब सिद्धार्थ का निधन हो गया तब वो बुरी तरह टूट गई थी। सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज सोशल मीडिया और पब्लिक से दूर हो गई थी। हालांकि फिर शहनाज ने खुद को संभाला और अब काम पर वापस आ चुकी हैं। शहनाज अब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी हैं। वहीं शहनाज गिल अब जल्दी ही बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं। शहनाज गिल सलमान के साथ फिल्म ईद कभी दिवाली में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में शहनाज की जोड़ी आयुष शर्मा के साथ बनेगी।